गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नीरज जोशी, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर नानामुक्ता, आप सभी के लिए विज्ञान साइंस में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का अगला टॉपिक लेकर आया हूँ। इससे पहले जिस टॉपिक पर हमने चर्चा की थी वह परिसंचरण तंत्र, और परिसंचरण तंत्र में हमने उसके बारे में जाना कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है और परिसंचरण तंत्र के प्रकार को देखा। परिसंचरण तंत्र में हमने लसिका परिसंचरण तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में देखा, उसको समझने का प्रयास किया और अब उसके बाद हमने परिसंचरण तंत्र के घटक, जिसमें मैंने आपको मेनली चार घटक बताए थे, जिसमें रक्त, रक्तवाहिनियां, लसिका और हृदय के बारे में पढ़ा। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का जो मुख्य टॉपिक है वह है रक्त। रक्त को रुधिर भी कहते हैं, रक्त को रुधिर यानी ब्लड। आपने कभी देखा होगा या अनुभव किया होगा, जब आपको कभी चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद जब हल्की सी खुजली भी आती है तो उसमें से एक लाल रंग का पदार्थ स्त्रावित होता है, तो ये ब्लड क्या है? ये ब्लड रक्त है, खून है, और लहू भी कहते हैं उसको, लहू। तो इसके बारे में हमें जानना है कि रक्त है क्या, कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हमने लिखा है कि ये श्यान रक्त कैसा होता है, जल से थोड़ा अधिक श्यान का मीन्स गाढ़ेपन से होता है। श्यान का मीन्स क्या होता है? गाढ़ापन। आप वाटर और ब्लड को ले सकते हैं, दोनों को देख सकते हैं, दोनों डिफरेंस स्वयं ही पता चल जाएगा। ब्लड जो होता है वह हल्का सा गाढ़ा होता है और जबकि वाटर पतला होता है। अगर ये कि ये तरल संयोजी ऊतक क्या है, तरल संयोजी ऊतक, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। आपने रक्त को देखा होगा, उस तरलता पाया जाती है, प्रवाह का गुण पाया जाता है इसीलिए। और दूसरा देखिए संयोजी, यह हमारे पूरी बॉडी को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, इसीलिए यह तरल संयोजी ऊतक का रहता है। आगे देखिए ये प्राकृतिक कोलाइड, रक्त कैसा होता है, प्राकृतिक कोलाइड की तरह होता है। अब इसको आपने कक्षा 9 में क्लोराइड विलयन के ऊपर पढ़ा होगा, लेकिन मैं उसको यहाँ पर समझने का प्रयास करूंगा। देखिए जो प्राकृतिक कोलाइड का मीन्स है, जैसे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे वाटर अगर हमने किसी कपड़े में छानने का प्रयास किया तो वाटर पूरा ऊपर निकल जाएगा, उसमें कुछ शेष नहीं बचेगा। लेकिन जैसे अगर ब्लड को अगर हम छानने का प्रयास करेंगे तो उसमें कुछ कण क्या होंगे, उसमें शेष रह जाएंगे। ऐसे ही आप दूध ले रहे हो, दूध को छानने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, उसमें मलाई शेष रह जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्या है, प्राकृतिक कोलाइड। आगे देखिए बफर सॉल्यूशन, रक्त क्या है, बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन का मेन होता है कि अगर हमने कुछ ऐसे पदार्थ को ले लिए जिसका मैंने कहा प्रिय है कि उसका पीएच मान परिवर्तित नहीं होता, जैसे देखो नीचे लिखा है कि रक्त का पीएच मान, जो हमारी बॉडी का जो रक्त है उसका पीएच मान वो 7.4 यानी कि 7.4 है, तो ये क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय है। और स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है। स्वाद कैसा होता है? नमकीन। तो बफर सॉल्यूशन मतलब कि उसका पीएच मान परिवर्तित नहीं होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच मान परिवर्तित ना हो बाहर से किसी पदार्थ को मिलाने पर। जैसे
हमने कोई खट्टा पदार्थ लिया, हमने नींबू खाया, क्या हमारे पेट में परिवर्तन आएगा? नहीं। इसलिए क्या है, बफर मिल गया है। क्या है? बफर मिल गया। आगे देखिए, जो रक्त हमारे एक स्वस्थ व्यक्ति की अगर बात करते हैं तो उसमें औसत औसतन 5 लीटर, औसत कितना होता है 5 लीटर। अगर हम मैंने यहाँ पर 5.5 पुरुष लिखा है और 5 लीटर स्त्री लिखा है, इसको ये औसत लगभग, लेकिन हम उसको अगर एक्जेक्टली देखेंगे तो कितना, लगभग 5 लीटर होता है, या 5 से 6 भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें हमें बीच में लगता है। अब पुरुष में जो रुधिर पाया जाता है वो 5.5 लीटर और स्त्री में 5.0 लीटर होता है। अब यहाँ बात आती है कि पुरुष में अधिक होता है स्त्री में कम, ऐसा क्या कारण है कि इसमें, ऐसा कोई कारण नहीं है। कारण एक ही है, क्यों? क्योंकि जो आयरन होता है वह इसमें पुरुषों में अधिक मात्रा में पाया जाता है और स्त्री कम, इसीलिए इनका थोड़ा अंतर होता है। स्त्री का जो फीमेल कह लो उसमें हीमोग्लोबिन कितना कम रहता है, अभी आगे चर्चा होगी, और पुरुषों में थोड़ा सा क्या होता है, अधिक होता है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। आगे देखिए, शरीर के बाहर का 7 से 8% जो रक्त जो ब्लड पाया जाता है उसमें शरीर के भार का कितना होता है, 7 से 8% होता है। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति का वेट 70 kg है, कितना है 70 kg, 70 किलो का वेट है, तो उसे 7% 0 से 0% हो जाएगा, 7 से 7 7 से 49 और नीचे 10, इसका आधा ये हो जाएगा 4.9। देखिए यहाँ पर लगभग क्या आया, लगभग 4.9 यानी 5 लीटर। तो एक औसत व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति में रुधिर का जो औसत पाया जाता है वो कितना होता है, लगभग 5 लीटर। आगे देखिए, अब बात आती है निर्माण, कि इस ब्लड का निर्माण होता कहाँ है। बहुत से बच्चे इसके बारे में जानते ही नहीं है, तो इसीलिए देखिए जो उसका जो निर्माण होता है लीवर, जब बच्चा भ्रूण की अवस्था में होता है, देखिए इसे लिखा गया भ्रूण एम्ब्रियो कहते हैं इसको, तो इस भ्रूण जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो वो फिर शिशु कहलाता है। तब तक वह 9 महीने तक जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उसमें जो ब्लड का जो निर्माण होता है तो वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय उसकी हड्डियों का जो विकास होता है वह उस कहने लगे उसकी हड्डियाँ बहुत लचीली होती हैं, ऐसे जहाँ तक ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकती हैं, और उसी प्रकार से उसमें वो रक्त का निर्माण नहीं होता है, उस समय क्या होता है, भ्रूण। आगे देखिए, बोन मैरो, जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें अस्थि मज्जा, क्या होता है, अस्थि मज्जा। अब अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो कहते हैं, यहां पर आए ये रक्त का निर्माण होता है, इसमें वयस्क मनुष्य। आगे देखिए कि जब स्टोर की बात आती है, ब्लड स्टोर होता कहाँ है, स्टोर होता कहाँ, तो ये स्टोर होता है प्लीहा, स्टोर कहाँ होता है, प्लीहा यानी कि स्प्लीन। ये देखिए मैं यहाँ पर भी हूँ, तो मेरे यहाँ पर ये बाईं साइड, किस तरफ, बाईं साइड, यहाँ पर अग्नाशय से ऊपर की ओर देख सकते हैं आप उसको, तो यहाँ पर क्या होता है, स्प्लीन यानी प्लीहा पाया जाता है, और इसी प्लीहा में क्या होता है, यह रक्त क्या होता है, स्टोर होता है। अब बात आती है कि इसकी मृत्यु, आरबीसी जैसे रक्त, ये डेथ भी होती है, और डेथ होती है उसे वो कब्रिस्तान, तो रक्त का जो कब्रिस्तान होता है वो भी क्या है, प्लीहा है, और इसी को हम ब्लड बैंक भी कह सकते हैं, क्योंकि वहीं पर क्या होता है, स्टोर भी होता है, और स्टोर होता है जिसके कारण हम उसको क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं।
धन्यवाद।